हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपने मार्फो डिवाइस को कैसे रिन्यूअल करें और कैसे इसे रिचार्ज करें। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि मार्फो डिवाइस में रिन्यूअल करने से पहले प्रॉब्लम क्या आएगा। आपके मार्फो डिवाइस में रजिस्ट्रेशन फेलियर लिखेगा, एरर लिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो में मार्फो डिवाइस को रिचार्ज एवं रिन्यूअल करके दिखाते हैं। मार्फो डिवाइस को रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। मार्फो डिवाइस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल फ़ोन या पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर में एक ही तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा और इसमें सर्च करना होगा आरडी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इस पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आरडी सर्विस ऑनलाइन रजिस्टर पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें मार्फो डिवाइस का वैलिडिटी चेक करना होगा और वैलिडिटी में जिस प्रकार से स्टेटस बताएगा उसके हिसाब से हमें वर्क करना होगा। तो यहाँ पे हम चेक वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मार्फो डिवाइस का सीरियल नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे लिख रहा है डिवाइस ऑलरेडी वाइट लिस्टेड, मतलब आपका डिवाइस का रजिस्ट्रेशन पहले से ही ख़त्म हो चुका है और शेष में चल रहा है। तो हमें सबसे पहले होम पे जाना होगा फिर से और उसके बाद यहाँ पे रिन्यूअल आरडी सर्विस पे क्लिक करना होगा। आपका स्टेटस में दिखाई दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा आरडी सर्विस का। तो अभी हमें यहाँ पे बाय आरडी सर्विस पे क्लिक करेंगे। बाय आरडी सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा सीरियल नंबर वैलिड ईयरली, मतलब आप इस मार्फो आरडी सर्विस को कितने साल के लिए आप वैलिड करना चाहते हैं, कितने साल के लिए आप रिन्यूअल करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक साल चूज कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम अपने सीरियल नंबर डालेंगे अपने डिवाइस का और यहाँ पे एक साल चूज कर दिए, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिए। और यहाँ पे चूज करना होता है आपका डिवाइस का मॉडल। तो हमारे डिवाइस का जो मॉडल है चूज कर लेने के बाद यहाँ पे ऐड डिवाइस पे नहीं क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे एक्सिस्टिंग यूजर का नाम मांगेगा। मान लेते हैं अगर आप पिछले साल कोई भी डिवाइस का रजिस्ट्रेशन किए होंगे अपनी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, तो आप यहाँ पे डायल करके साइन अप कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप कोई भी ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन किए होंगे और आपको याद नहीं है तो आप न्यू क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू क्रिएट अकाउंट करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। वैसे हम यहाँ पे एक पास, क्योंकि पिछले वर्ष में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और वो ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे याद है, तो हम इस पर साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब फर्स्ट नाम डालना होगा और लास्ट नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसके बाद पासवर्ड। आईडी का सही पासवर्ड यहाँ पर डालकर फिलअप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका सीएससी प्रोवाइडर का नाम डालना है। तो आप किस प्रकार के सीएससी से आप प्रोवाइड किए थे, तो चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं सीएससी ई गवर्नमेंट। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, पार्टनर का पिन कोड, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है डालना। और उसके बाद हम यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक पेज खुलेगा जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डालना है, सबसे पहले फुल नेम डालना है और लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी है तो कंपनी का नाम,
उसके बाद एड्रेस पूरा फुल एड्रेस डालना है, उसके बाद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, इंडिया, स्टेट, फ़ोन नंबर, इतने डालने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जो भी आप डिटेल्स डालेंगे इसे आप दोबारा अच्छे से रीचेक जरूर कर लेवे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका 3 इयर्स के लिए रिन्यूअल कराने के लिए आपके पास 855.50 रुपये लिए जाएंगे। इसे देने के लिए आपको कंटिन्यू ऑर्डर पे कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिडायरेक्टिंग ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट कैसे कटेगा मैं ये भी दिखाने वाला हूँ। 855.50 रुपये। अब यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया है, वॉलेट UPI का, तो हम यहाँ पे UPI पे क्लिक करेंगे और अपने नंबर ओपन विथ आप जिस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर देना है 855.50 सॉलिड। इस तरह के और भी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।